हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है कौन सा दिन है? आज है मंगलवार और मैं सुबह उठ गई हूँ, चाय पी रही हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, आज बारिश नहीं हो रही है। अभी सुबह के 8 बज रहा है और देखो बाहर धूप आ रहा है बाहर से, तो मौसम बहुत अच्छा है आज। और अभी मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद से फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और हाँ, ये मेरे जूतिया का ब्लॉग कैसा लगा था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि जूतिया का ब्लॉग कैसा लगा। उस पर काफ़ी व्यू जा रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसे भी अच्छा अच्छा मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो चलो, अभी तो सुबह के काम है, तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों, मैं नहा ली हूँ और नहा के आ गई हूँ और नाश्ता भी बना दी हूँ मैं। तो ये देखो आर्यन, आज आर्यन की छुट्टी है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो कल एग्ज़ाम था और फिर आज छुट्टी है, मतलब आज तैयारी करनी है। और फिर कल भी एग्ज़ाम है, तो कल कंप्यूटर का है। जो कल हुआ था वो इंग्लिश था ना बेटा, और इंग्लिश का बहुत इजी था। इजी था बोल रहा है, इंग्लिश बहुत इजी था, तो इंग्लिश हो गया है। और फिर ये कंप्यूटर है कल, तो आज आर्यन अपना तैयारी कर रहा था। तो अभी मुझे नीचे जाना है क्योंकि मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने, सब्जी लाना था क्योंकि आज वो आने वाले आज ही। तो हाँ, आज मम्मी पापा आने वाले हैं शाम को, तो इसीलिए सोचती हूँ कि चलो सब्जी ला के रख दूँ मैं। और ये देखो आर्यन, उसमें मखाना खाया था, मैं फ्राई की थी अभी तक। जा रख क्या बेटा, प्लेट रख दो, बेड पे पड़ा है। तो वही जा रहा है आर्यन रखने। और फिर मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने। और ये जीवतिया मैं पहनी हूँ अभी तक, धागा का भी पहनी हूँ। कहाँ गया? अच्छा, अंदर घुस गया। तो ये देखो धागा का, ये पहनते हैं हम लोग, जैसे गांव में तो सालों भर लोग पहनते हैं, पर यहाँ थोड़ा वो लगता है। तो हम लोग 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना ऐसे पहनते हैं हम लोग, उसके बाद निकालते हैं। तो चलते हैं हम लोग मार्केट। नहीं नहीं, मौसम अच्छा है एकदम। मैं बोली ठीक है ला, मौसम का कोई ठीक नहीं है, आवाज़ भी आ रही है बादल की। तो चलो हम लोग जल्दी से आ जाते हैं लेके सब्जी, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। ये छतरी नहीं उठा तो कहाँ है? छोटा वाला ये क्या? ये छोटा वाला। अच्छा हाँ। मार्केट से मैं आ गई थी और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, आ गई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं की मार्केट में जाके। ये कितना काला दिख रहा है, ये देखो वैसे सही लग रहा है ना। तो फिर और मैं मार्केट से सब्जी में ये लाई, ये देखो, क्योंकि मम्मी पापा लौकी तोरी ये सब ज़्यादा खाते हैं, तो उनके हिसाब से मैं लाई लौकी। और अपने लिए देखो राजमा डाली हूँ, उधर दिख रहा है ना, तो राजमा डाली हूँ क्योंकि आर्यन को खाना है राजमा राइस। तो वही आर्यन के बहुत मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का क्योंकि मौसम के हिसाब से, तो अभी मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर की, तो आ गया है, अभी आया है उधर, तो देखती हूँ आर्यन क्या कर रहा है। तो अभी आर्यन बैठ गया है यहाँ, लो कैची, और आर्यन पिज़्ज़ा काट रहा है। और फिर पिज़्ज़ा खा के
गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और अभी सुबह के बज रहा है 9 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं आज बना रही हूँ सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए मैं क्या क्या ली हूँ, क्या चीज़ की सैंडविच बना रही हूँ तो मैं बताती हूँ आप लोग के। इसमें है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, और इसमें मेयोनीज डाली हूँ और पिज़्ज़ा सॉस यही सब डाली हूँ। तो ये देखो मेरा सैंडविच बन रहा है अभी, और इधर आर्यन को भी दे दी हूँ। आर्यन अभी नाश्ता कर रहा है क्योंकि आर्यन को अभी स्कूल जाना है, एग्जाम चल रहा है। तो चलो आर्यन जब तक नाश्ता करे तब तक मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि इसको अभी स्कूल छोड़ने जाना है। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हो, और मैं जा रही हूँ अभी आर्यन के छोड़ने स्कूल। तो आर्यन भी रेडी हो गया है इधर नीचे, अभी आजी को गया है बाय करने, इधर से आएगा देखना ये। तो चलो चलते हैं हम लोग नीचे। अभी आ गई मैं नीचे और आ रही हूँ कि बैग भी ले ली। तो चलो चलती हूँ। तो अभी मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर आप लोग से मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों आप लोग से मैं एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि मम्मी क्या लेकर आई है वहाँ से। तो ये देखो आर्यन दिखा रहे हैं पीछे से। तो ये देखो आप लोग गेस करो कि क्या चीज़ का पत्ता है, क्या है क्या ये। तो ये देखो आप लोग को मैं दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ये अच्छा है। हाँ, और इसको रोज खाना चाहिए सबको। तो ये क्या चीज़ है, किस चीज़ के पत्ता है, तो आप लोग गेस करो, बताओ ये क्या है। अगर आपके घर पे ही है और आपको पता ही क्या है तो कमेंट बॉक्स में बोलो। तो इसका पत्ता बहुत सॉफ्ट है, ये देखो कितना अच्छा है, और ये सूखेगा भी नहीं जल्दी। बहुत सारा था लेकिन अभी ख़त्म हो गया, हम लोग खा गए पत्ते को। आप लोग सोचेंगे कि पत्ते को खा गए लोग। तो ये आर्यन खा रहा है इधर, कैसा आर्यन? अच्छा, कड़वा है थोड़ा सा तो लगेगा ना। तो ये क्या है मैं बताती हूँ आप लोग के, किस चीज़ का पत्ता है, और ये इजली घर में लग जाता है, ये बहुत आसानी से लग जाता है घर में ये पौधा। तो और यहाँ से ये बहुत उगता भी है। हाँ, तो ये पौधा है अजवाइन का। अजवाइन आप लोग जानते हैं ना, अजवाइन मंगरेल, तो जो अजवाइन होता है ना वाइटोला, तो ये उसका पत्ता है। और ये देखो बहुत सॉफ्ट है, ये भाभी घर पे लगाई थी तो ये तोड़ के दी मम्मी को, और ये रोज खाना चाहिए। अभी बरसात मौसम है तो जैसे अजवाइन गर्म रहता है तो ये भी एकदम अजवाइन जैसा आ रहा है इसमें से। और आर्यन इधर खा रहा है और मैं भी खाई हूँ। मैं देखो तो अच्छा लग रहा है, ये देखो जब इतना छोटा बच्चा खा रहा है तो कौन नहीं खाएगा। ये देखो आर्यन खा रहा है, मुझे भी दो थोड़ा सा। ये देखो तो ये खा रहा है, मैं तो एक ही बार डाल लेती हूँ, दो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट एकदम अजवाइन जैसा आता है, और इसको ऐसे भी खा सकते हो आप। और इसका पराठा, जैसे पराठा बनाते हो ना सिंपल पराठा, उसमें प्याज ये सब डाल के अजवाइन मंगरेल आप बनाते हो तो उसमें भी ये कट करके डाल सकते हो। आलू पराठा बनाते हो तो आलू पराठा में इसको छोटा छोटा कच्चीस काट लो और इसको उसमें डाल दो, जैसे धनिया पत्ता आप डालते हो तो वैसे डाल सकते हो। अजवाइन का टेस्ट आएगा नेचुरल एकदम, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसका पौधा भी आया है तो वो मैं अभी, गमला मेरे घर पे खाली नहीं है, सब गमले में लगा है फूल, तो कल मैं गमला लेकर आऊँगी। कल आर्यन की छुट्टी है स्कूल की, कल मैं नीचे जाऊँगी गमला लेकर आऊँगी, आर्यन भी जाएगा साथ में, तो वो कल पौधा लगाऊँगी। आप लोग के पौधा दिखाती हूँ, इसका एकदम छोटा सा पौधा है और लग जाता है जल्दी से। भाभी बोली कि एकदम लग जाता है अच्छे से घर पे, ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि पत्ते ज्यादा जल्दी। और इसका पत्ता ना एकदम सॉफ्ट है, इतना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये देखो अब कल से आया है, कल से इसी डब्बे में है, ऐसी डब्बे में है और सूखा भी नहीं है, ये सूखता नहीं। भाभी बोली 4-5 दिन ऐसे ही रह जाता है, ये सूखता नहीं है, बहुत अच्छा। एक पत्ता होता है ना एकदम पतला, ये छूने पे ऐसे वॉलवेट होता है ना, वैसे लग रहा है एकदम छूने पे। ये देखो एकदम वॉलवेट जैसा लग रहा है छूने पे, और ऐसे और ये मुड़ा हुआ भी ऊपर से एकदम सॉफ्ट है। ऐसे खाने पे होता है ना कि पत्ता, आम के पत्ता कैसे उसका वो बच जाता है, इसमें कुछ नहीं है। देखो सब मैं खा गई बात करते करते। तो और ये इसकी खासियत ये कि ना पत्ते ना ज्यादा ऐसे देर नहीं लगाते, कुछ दिन में ही उग जाते। हाँ, तो आप लोग के पौधा दिख, तो ये है उसका पौधा, ये देखो मम्मी लेकर आई है वहां से। तो ये देखो ये छोटा छोटा, ये कैसे होता है ना, जैसे गमला में आप लगा दिए ना तो उसमें से जैसे ऊपर से ये आएगा ना फूल, तो इसको तोड़ के फिर ऐसे नीचे साइड में लगा दो तो ये पूरा ऐसे फैल जाता है। तो ये देखो कितना छोटा है, और ये भाभी बोली कि एकदम अच्छे से लग जाएगा, और ये देखो कितना बड़ा है।
ये देखो, ये का ये देखो कितना बड़ा है, और इसे मिट्टी के साथ भी है तो ये लग जाएगा अच्छे से, और फिर ये जड़ भी फेंकता है तो इसके बाजू से फिर एक और आएगा तो पूरा ऐसे भर जाता है, बहुत अच्छा है। और जैसे ज़्यादा पत्ता हो जाता है तो आप पराठा में डाल सकते हो, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अजवाइन तो इसे भी अच्छा लगता है, आप लोग डालते ही है अजवाइन, हम लोग तो डालते हैं पराठे में। ये देखो तीन दी है तो ये बहुत अच्छा, मैं तो देखी भी नहीं थी अजवाइन के कैसा पौधा होता है, पर देख ली मैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अब तो रोज ही देखते हैं अजवाइन का पत्ता। हाँ तो मैं कल लाऊंगी गमला तो उसमें लगाऊंगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और अरेन भी इधर पत्ता खा रहा है, ये देखो इसका वो हो गया है, जैसे बच्चे नहीं घर में घूम घूम के ऐसे बोल चॉकलेट खाते हैं वैसे ये पत्ता अब खा रहा है। तो चलो बाय बाय।